पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन करके चली गई, ना कुछ और किया। सोचा चुनाव आ रहे हैं, जितने जगह हमारे नाम के प्लेट लग सकती है उसको लगाया जाए। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा कि आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और हमने इस ट्रॉमा सेंटर को सबसे बेस्ट ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात हुई, यहाँ के लोकल एमएलए से बात हुई और हमने कैजुअल्टी का भी जाकर देखा। एक बेड पर दो दो मरीज लेटे रहते थे क्योंकि बेड की संख्या कम थी। कोई दुर्घटना हो जाती तो उससे भी बुरा हाल होता था। हमने बैठक की और इंस्ट्रक्शंस दी कि जो कैजुअल्टी वार्ड है उसको अपग्रेड किया जाए और इस बेड को कैजुअल्टी वार्ड का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन कर दिया। और इसमें ये प्रयास है, इंस्ट्रक्शन दी गई कि अब जो पहली नजर में जो पेशेंट आएगा वो इस कैजुअल्टी में आएगा और एक बेड पर एक ही पेशेंट होगा और उसको उच्चतम स्तर की सुविधा प्रदान की जाएगी। हमने यहाँ 8 घंटे के लिए डॉक्टर की ड्यूटी को निर्धारित किया है, लेकिन समय के अनुसार कभी 8 से 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन पहले क्या था, कैजुअल्टी वार्ड में 72-72 घंटे डॉक्टर्स को, एसआर को ड्यूटी देनी पड़ती थी। हमने यहाँ डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया और जो स्टाफ नर्सिस है, 1 महीने के भीतर हर 6 पेशेंट पर एक स्टाफ नर्सिस उसको देखेगी। स्टाफ नर्सिस के कंधों पर बहुत अधिक बोझ था, एक स्टाफ नर्स 12 पेशेंट को देखती थी। अब आप बताइए, जो स्टाफ नर्स 12 पेशेंट को देखती होगी, अगर वो दो दो तीन तीन भी चक्कर लगाए और हर प्रकार से उसकी दर्द को सुने तो भी पूरा दिन 8 घंटे काम करने के बाद भी वो पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए हमने इस इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 400 स्टाफ नर्सिस के पद स्वीकृत किए हैं, जिसकी टेम्परेरी तौर पर अभी नियुक्तियां कर दी जाएगी 1 महीने के भीतर। दूसरा, अभी मैं पिछले दिनों 2 दिन पहले यहाँ राउंड पर भी आया था, मुझे पता लगा कि रेडियोग्राफर को महज 10,000 रुपये मिलते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन को महज 10,000 रुपये मिलते हैं, ओटीए वाले को महज 10,000 रुपये मिलते हैं। अगले बजट से उनके इस 10,000 को दुगना कर दिया जाएगा, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बजट बन चुका है और बजट में हम कई प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के बाद जो बच्चा हमारा बाहर जाएगा तो उसको कम से कम 20,000 रुपया तो मिले, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने विचार किया है और आने वाले समय में इन सब चीजों को हम अधिक पैसा देकर यहाँ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी अच्छी देखभाल कर सके। रेडियोग्राफर्स के पद है, ओटीए के पद है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद है, इन सबको देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि बड़े मेडिकल कॉलेज में एक अपनी लेबोरेटरी भी होनी चाहिए, अभी उस पर चर्चा चल रही है। जब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन होगी तो अपनी एक लैब जब इनकी होती है तो उस पर ज़्यादा ये विश्वास, डॉक्टर्स की राय लेने के बाद, डॉक्टरों के विचार विमर्श करने के बाद हम इस पर आगे बढ़ने की विचार कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, महज उसमें जाकर कभी व्यक्तिगत तौर से नहीं देखा गया कि किस प्रकार की हमारे जो गांव से आने वाले पेशेंट हैं उनको किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, आम आदमी को किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से 5 साल में सभी मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है,
हम अपने संसाधनों से सभी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आईजीएमसी के बाद फिर टांडा है, फिर जो और चार मेडिकल कॉलेज है उनको भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज दो हमने अभी पहले स्तर पर प्रथम चरण में लिए हैं, टांडा और आईजीएमसी, उसमें एम्स जैसी बेस्ट सुविधाएं मिली। आप देख रहे हैं ना अभी पेशेंट का जो बेड है, और ऊपर अभी कैजुअल्टी में जाके आपने देखना, ये एक सोच की बात होती है। कैजुअल्टी में अभी बेड देखना, तो बेचारे हमारी जो स्टाफ नर्सिस बहने हैं वो पेशेंट को उठाएगी, दो सराहने रखेगी, तीन सराहने रखेगी। हमने एम्स के मुकाबले के बेड यहाँ अभी लगवाए हैं, और आने वाले सभी मेडिकल कॉलेज में जो भी हमारे पास एम्स लाइक सुविधा होगी वो हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रकार का प्रचार उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें जयराम ठाकुर जी को बोलना चाहिए कि आप झूठ की जो मशीन है उनके मुंह में मत डालिए, अच्छा नहीं लगता ऐसा किसी प्रकार का। आप बताइए है कोई ऐसा लगा, आप ही बताइए। वेर इज ये शब्द ही मेरे को तो आज ही बड़े बड़े चैनलों में चल पड़ा, पता नहीं। नेता प्रतिपक्ष तो झूठ के सबसे बड़े सौदागर है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, नए नए नाम खोजते रहते हैं, जैसे कि झूठ की पीएचडी कर रखी है। इसलिए बीजेपी का नाम बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए। पता नहीं कहां से कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते, जो कहीं है ही नहीं सोचा, कभी बोलते खेल टैक्स है, अब सबसे बड़े झूठे पर झूठ का टैक्स लगना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला है तो नेता प्रतिपक्ष ने बोला है। 75 लाख लोग परिवार हिमाचल प्रदेश में रहते, किसी के पास आज टॉयलेट का बिल लिया गया है? और मुझे अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को जो फीडबैक देते हैं उन्हें इन फीडबैक में सोचना चाहिए कि किस प्रकार की ये लोग बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता पर आज तक कोई टैक्स नहीं लगा जब से 20 महीने से हमारी सरकार आएगी, लेकिन झूठ ऐसे परोसा जा रहा है जैसे कि सच हो रहा है। सोशल मीडिया भी उसमें ऐसे परोस रहे हैं जैसे कि सच हो रहा है। कभी हमारी आर्थिक स्थिति पर बात कर देते हैं। अगर हम किसी चीज को सही करने की दिशा में व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको ऐसा शो करते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो ऐसे बेड लगने थे हॉस्पिटल्स में? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी थी? तो ये चीजें कहकर वो जनता का ध्यान राजनीतिक तौर पर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है, जो हमारी संपदा को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो जनता हिमाचल प्रदेश की जनता की संपदा है उसको लूटा है और लुटाया है, उसको हमारी सरकार ठीक कर रही है और हिमाचल की जनता के हित में फैसले कर रही है। सर प्रधानमंत्री लगा? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं दो जगह गया, दोनों जगह कांग्रेस जीती, तो ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।